नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। आज मैं आपको छेना की खीर बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान होती है और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो चलो शुरू करते हैं छेना की खीर बनाना। ये मैंने एक ये दूध लिया है, मदर डेरी का है, और एक ये अमूल का है। तो ये वाला थोड़ा सा हल्का होता है, तो इसका हम छेना बनाएंगे। इसका छेना थोड़ा नरम बनता है। और ये दूसरी तरफ में जो अमूल का है, ये फुल क्रीम, ये मैं खीर के लिए जो दूध को गाढ़ा करना है इसलिए इसमें चढ़ा रही हूँ कढ़ाई में। धीमी आंच पे हमको धीरे धीरे इसको गाढ़ा करना है। और ये मैंने नींबू का रस लिया है, एक नींबू का रस है इसको छेना बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। छेना बनने के बाद जिस पानी में हम उबालेंगे उसके लिए मैं ये एक कप मैंने ये चीनी ले ली, एक कप, और एक कप ये दो कप चीनी ले ली मैंने। दूध में उबाल आ गया, अब इसको मैं बंद कर दूँ फ्लेम को। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको नींबू का ये डाल के, लेमन वाटर डाल के इसको दूध को फाड़ेंगे। अब ये दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये एक चम्मच लेमन वाटर है तो एक चम्मच में सारा पानी मिला दी इसमें। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अब ये गैस का दूध भी उबल गया, इसको सिम को कम करते हैं। कई बार दूध फटने में दिक्कत होती है तो दोबारा से गैस को ऑन करके थोड़ा सा उसको चला लें। फट तो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, सब अच्छी तरह से फट रहा है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। किसी बर्तन पर छलनी रख के अब इसमें कपड़ा लगा के छानूंगी। ये एक में मैं चाशनी चढ़ा देती हूँ। ये दो कप चीनी ली है तो इसमें तीन या चार कप पानी डाल के इसको पतली सी चाशनी बनानी है, जिसमें कि छेना के जो हम गोले बनाएंगे छोटे छोटे उनको उबालना है। ये चार कप मैंने पानी डाल दिया। ये चाशनी हमको गाढ़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली सी चाहिए। कोई भी सूती कपड़ा लेके या कोई भी कपड़ा लेके इसे छलनी पे रख के अब इसको छानना है। एक बार इसको हम अच्छे पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें जो नींबू का खट्टापन है वो हट जाएगा। ये जो छेना में से पानी निकला हुआ होता है इसको फेंकना नहीं चाहिए। ये आटा गूंदने में यूज कर लो, या प्लांट में डालने में यूज कर लो, या इसको जो बच्चे बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं जो वेट की एक्सरसाइज करते हैं वो पी भी सकते हैं। ये वे प्रोटीन होता है तो इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, काफी न्यूट्रिशन होता है इसमें। इसको जो ये छेना है इसको थोड़ा सा मलना है, मुलायम करना है इसको। चाशनी में उबाल आ गया, अब कम कर दी हूँ गैस की चीनी। अभी बिल्कुल मुलायम हो गया, इसको खट्टा कर लेना है।
में जो हमारा दूध रखा है भी चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे तले में बैठ जाएगा और जल जाएगा, जलने की गंदी वो स्मेल और वो हो जाएगी, तो इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अब तो हम चाशनी में डालेंगे, ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाएंगे इसको। देखने ये बन रहा है, इतने थोड़े से बादाम और पिस्ता काट के रखते हैं। ये मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे कर रखा है, इसको तेज नहीं करना नहीं तो सारा जल जाएगा। मेरे पास केसर नहीं है इसलिए मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दी हूँ, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप कलर खाने वाला रंग भी डाल सकते हैं, पर वो ज़्यादातर कम से कम ही यूज़ करना चाहिए, नुकसान देता है, तो इससे हल्दी से कलर भी चेंज हो जाता है और इसका कड़वापन भी नहीं आता। एक ये जो हरी इलायची होती है छोटी इलायची, ये डाल दी। ये मेरे पास अभी पाउडर नहीं है तो मैंने तोड़ के डाल दी है, ऐसे ही मिक्स हो जाती है। 1 कप चीनी डाल दी उसमें दूध में इसको मीठा करने के लिए। पांच मिनट हो गई, अब देखते हैं इसको बन रहा है। अभी 5 मिनट के लिए और ढक के रख दिए। पंद्रह मिनट हो गए इसको बनते हुए, अब मैं ये बंद कर दी। अब ये जो दूध हमने गाढ़ा करने के लिए रखा हुआ है इसके अंदर डालना है ये छेना। ये पहले से आधा हो गया है, सब इसमें थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम डाल दी हूँ और ऊपर से गार्निश करने के लिए काम आएंगे। तकरीबन ये बनी गई है खीर। गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। ये छेना की खीर बिल्कुल बन के तैयार है, काफी आसान रेसिपी है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। एक बार बना के देखना, काफी अच्छी लगेगी। अगर आप चाहे तो दूध थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं, पर ये ऐसा दूध मतलब अच्छा लगता है पीने में, खाने में इसके साथ हम ऐसे ही बनाते हैं। एक बार बना के देखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनती है। ये जो छोटे छोटे छेना है इनमें सब में दूध भरा हुआ है और काफी अच्छे लगते हैं खाने में। ये बादाम से और पिस्ता से गार्निश कर लें फ्रेंड्स। एक बार बना के देखना ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। आपने अपना कीमती टाइम देके मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।